अस्सलाम वालेकुम फिलोज़ आई होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन आई एम हैदर मक्सी एंड टोडे विल कवर आर्टिकल 3 ऑफ़ कानून निशाद ऑर्डर इसके अलावा हमने जितनी भी वीडियोस बनाए हैं कानून निशाद ऑर्डर के ऊपर उन तमाम वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सो मस्ट चेक आउट सो दिस इज़ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ आर्टिकल 3 एंड यू नो वेरी वेल कि आर्टिकल 3 में बताता है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो अदालत के सामने गवाही दे सकते हैं या फिर एज अ विटनेस प्रेजेंट हो सकते हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जो अदालत के सामने गवाही नहीं दे सकते साथ में हम ये भी देखेंगे कि कॉम्पिटेंट विटनेस में कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए किस तरह की उसमें क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक पर्सन कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं रहता और वो डिसक्वालीफाई हो जाता है तो सबसे पहले हाँ पे article 3 यहाँ पे हम आर्टिकल थ्री के सरफेस मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे एंड देन यहाँ पे जितने भी टर्म्स यूज हुए हैं उनकी इन डेप्थ मीनिंग एंड स्कोप को डिस्कस करेंगे एंड कुछ अदर रिलेटेड टर्म्स भी हैं सच सचेज़ क्रेडिबिलिटी वर्सेज़ कॉम्पिटेंसी इस तरह की चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे आर्टिकल थ्री की मेन बॉडी में बताया गया है कि तमाम इंसान गवाही दे सकते हैं यानी वो गवाही देने के काबिल हैं सिवाय उन सरकमस्टेंस के कि जहाँ पे कोर्ट को ऐसा महसूस हो कि अदालत में आया हुआ विटनेस चार चीज़ों की वजह से अदालत में पूछे गए सवाल को समझने से और उसका सही और मुनासिब जवाब देने से कासिर है तो ऐसे विटनेस को गवाही देने के काबिल नहीं समझा जाएगा तो कौन सी ऐसी वो चार चीज़ें जिसकी वजह से कि इंसान सवाल को समझने से और उसका सही जवाब देने से कासिर हो सकता है तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कम उम्र उसके बाद बुढ़ापा या फिर तीसरे नंबर पे कोई भी जिस्मानी या फिर जहनी बीमारी चौथे नंबर बताया गया है कि इन तमाम चीज़ों से मिलती जुलती कोई और चीज़ मरवा यू नीड नॉट टू वरी यहाँ पर जितने भी यूज़ हुए हैं सच एज़ ऑल पर्सन एक्सट्रीम ओल्ड एज टेंडर एज इन तमाम चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे अब बात करते हैं प्रोविजंस की तो फर्स्ट प्रोवाइजो में बताया गया है कि कोई भी ऐसा इंसान जिसने परजरी से रिलेटेड ऑफेंसेस कमिट किए सच इस ऑफेंसेस जो कि डिफाइंड है पाकिस्तान पेनल कोड के सेक्शन 191 से लेकर 200 हंड्रेड या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं कि कोई भी सा इंसान जिसने गलत बयानी की हो झूठी गवाही दी हो फॉल्स एविडेंसेस दिए हो जिसके नतीजे में अदालत ने उसे कोई सज़ा सुनाई और फिर वो बाद में जेल भी गया तो जो ऐसा इंसान कोई भी होगा उसे गवाही देने के काबिल नहीं समझा जाएगा इसके बाद सेकंड प्रोवाइज़ो में बताया गया है कि परजरी के लिए कन्वेक्टेड इंसान की भी गवाही मानी जा सकती है अगर वो अदालत को सेटिस्फाई करे कि उसने अपने आप को सुधार लिया है उसने तौबा कर ली है वो दोबारा से ऐसी गलती नहीं करेगा वो ईमानदार हो चुका है लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप अदालत को सेटिसफाई करेंगे कैसे इस चीज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में आगे थर्ड प्रोविज़न में कोर्ट के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी गई है कि वो मेकश्योर sure करें कि जितने भी विटनेसेस उनके सामने पेश हो रहे हैं उन्हें कॉम्पिटेंट सिर्फ और सिर्फ तब डिक्लेयर करें जब उनके के अंदर तमाम तर वो रिक्वायरमेंट्स एंड क्वालिफिकेशंस हों जो कि कुरन सुन्ना में बताए गए हैं किसी भी एक विटनेस के लिए साथ में यह भी बताया गया है कि इन केस अगर कुरान इन सुना के बताया गया रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अगर कोई विटनेस अवेलेबल नहीं है कॉम्पिटेंट तो फिर दूसरा कोई भी विटनेस अगर अवेलेबल है तो उसकी गवाही को माना जा सकता है वो विटनेस कॉम्पिटेंट रहेगा नाउ क्वेश्चन इज़ कि कुरान इन सुना ने क्या रिक्वायरमेंट्स बताए किसी भी विटनेस की कॉम्पिटेंसी के लिए दिस इज़ वी विल सी अड इन रेलवे डिटेल एंड में आर्टिकल थ्री के मेन बॉडी के लिए एक्सप्लेनेशन दी गई है जिसमें बताया गया है कि लेट्स से अगर कोई पागल इंसान ल्यूनेटिक जिसे नॉर्मल इंसान की तरह प्रूडेंट इंसान की तरह सवाल समझ में नहीं आते उनकी तरह वो जवाब नहीं दे सकता तो जब वो अपनी ल्यूनसी की हालत में होगा उसे कॉम्पिटेंट तसवर नहीं किया जाएगा बट समहा अगर उसकी ल्यूनसी क्योर हो जाती है वो ठीक हो जाता है तो फिर वो इंसान जब गवाही देगा तो उसकी गवाही को माना जा सकता है वो इंसान कॉम्पिटेंट रहेगा इसके अलावा आपने कुछ ऐसे पेशेंट्स भी देखे होंगे जिन्हें पैनिक अटैक्स पड़ते हैं पागलबंदी के दौरे तो जब वो इस तरह की हालत में होंगे उन्हें कॉम्पिटेंट त नहीं किया जाएगा नॉर्मल में होंगे तो किया जा सकता है इसी तरह से दूसरा मिसाल भी है जैसे आ, ड्रंक लोग जब वो नशे की हालत में होते हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं है नशे से बाहर हैं फिर अगर वो एज अ विटनेस बनना चाहें तो वो बन सकते हैं वो कॉम्पिटेंट होंगे अभी हम इस आर्टिकल के सफेस मीनिंग को तो पढ़ चुके हैं अब इसको थोड़ा हम डिटेल में भी देखते हैं तो शुरू करते हैं इस वर्ड से ऑल पर्सन देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ आता है और किस हद तक आता है ऑल पर्सन एक बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड टर्म है इसके अंदर तमाम तर चीज़ें कवर हो जाती हैं तो जहाँ पे आपसे पूछा जाए कि क्या एक नॉन मुस्लिम विटनेस बनने के कॉम्पिटेंट है आपका जवाब नो डाउट ये सोना चाहिए और जहाँ पे आपसे पूछा जाए क्या एक बहरा पर्सन कॉम्पिटेंट विटनेस बन सकता है क्या वो इस ऑल पर्सन की डेफिनेशन में फिट आएगा तो आपका जवाब अजर्टिव होना चाहिए येस yes. वो बहरा पर्सन वो डेफ पर्सन इस डेफिनेशन में फिट आएगा अगर उसमें कम्युनिकेट करने की एबिलिटी है वो सवालों को समझ पाता है उनका रेशनल जवाब दे पाता है तो लोग पूछते हैं कि बहरा इंसान सवाल को सुनेगा किस तरह से फिर कैसे जवाब देगा तो अगर उसे सवाल लिख के दे दिया जाए अगर उसमें पढ़ने की एबिलिटी है तो नो डाउट वो जवाब दे पाएगा इसी तरह से अगर कोई डम है उसमें बोलने की एबिलिटी नहीं है सेंसेस नहीं है तो वो आपको लिख के देगा अगर आप उसको सवाल सुनाएंगे तो तो इस तरह से अगर वो कम्युनिकेट कर पाते हैं किसी भी पॉसिबल ज़रिए से तो उनको कॉम्पिटेंट विटनेस माना जाएगा आफ्टर दैट यू नो वेरी वेल कि एक रिलेटिव हमेशा दूसरे रिलेटिव को सपोर्ट करता है बाप हमेशा बेटे को सपोर्ट करता है बेटा हमेशा बाप को करता है कोई भी रिलेटिव एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो जहाँ पर सवाल आ जाए कि जहाँ पर एक रिलेटिव दूसरे रिलेटिव के हक़ में फैसला देना चाहे क्या उसे कॉम्पिटेंट वेटेन्स तसवर किया जाना चाहिए तो जनरली अगर हम देखें तो ये रिलेटिव आल्सो कॉम्पिटेंट क्योंकि वो ऑल पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं बाद में उनकी कही गई बात को माना जाता है नहीं माना जाता उसे एडमिट किया जाता है उसे क्रेडिबिलिटी दी जाती है नहीं दी जाती है दिस इज़ समथिंग एल्स यूजुअली हम देखते हैं कोर्ट में कि रिलेटिव जो होता है इंटरेस्टेड विटनेस उसको प्रायोरिटी नहीं दी जाती विदाउट कोरोबरेटरी एंड सपोर्टिंग एविडेंस उसकी बात को एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता क्योंकि हमेशा ये डर बना रहता है ना कि एक रिलेटिव दूसरे रिलेटिव को सपोर्ट करेगा और वो पर्सन बायर हो सकता है अपने रिश्तेदार को अनरीजनेबल फेवर भी दे सकता है इसके अलावा जहाँ भी पूछा जाए क्या एक औरत अपने हस्बैंड के खिलाफ गवाही दे सकती है क्रिमिनल केसेस में तो हाँ दे सकती है ठीक है बट सब्जेक्ट टू आर्टिकल फाइव आर्टिकल फाइव क्या है इससे रिलेटेड कुछ और भी ऐसे ही सेक्शंस हैं जिसमें कुछ कम्युनिकेशन एंड प्रवलेजेस हैं जिनके मतलब विटनेस से सवाल और जवाब नहीं किया जा सकते सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या पुलिस भी कॉम्पिटेंट विटनेस बन सकते हैं तो जी हाँ बिल्कुल बन सकते हैं और बहुत अच्छे विटनेस बन सकते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट के जो है 2022 के जजमेंट्स को देखा जाए तो लेकिन वो वहाँ पे इनको कॉम्पिटेंट विटनेस तस्वर नहीं किया जाएगा जहाँ पे आप ये साबित कर दें कि वो बायस थे मैलेस था प्रजराइज थे एग्रेशन थी दुश्मनी थी <coughs> या फिर ब्राइब के चक्कर में वो हमारे खिलाफ गवाही दे रहे हैं इस तरह की चीज़ें अगर आप साबित कर पाते हैं तो फिर शायद उनको कॉम्पिटेंट विटनेस तस्वर ना किया जाए ये जो प्रजम्शन है इसके अपने मेरिट्स भी हैं डी भी हैं आपको पता होगा हमारे सोसाइटी में क्या होता है कि बहुत से लोगों के सामने एक ऑफेंस कमिट होता है लेकिन कोई भी उनमें से गवाह बनने के लिए तैयार नहीं होता तो इस तरह के सरकमस्टेंसेज में पुलिस की गवाही अगर ना मानी जाए तो वो एक गुनाहगार इंसान सोसाइटी में आज़ाद घूमते हुए आपको नज़र आएगा विच इज़ बैड थिंग मोरवा जो कंपनीज़ हैं कॉरपोरेशन जिनके पास फिक्स पर्सनैलिटी होती है नेचुरल पर्सनैलिटी नहीं होती जिस तरह से हमारे और आपके पास होती है तो क्या वो भी कॉम्पिटेंट हैं गवाह बनने के लिए क्या वो लीगल ऑल पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं तो वो ऑल पर्सन की डेफिनेशन में नहीं आते बिकॉज इट्स फॉर दी नेचुरल पर्सन तो जो कॉरपोरेशन है उनके रिप्रेजेंटेटिव अगर उनके बिहाफ पे गवाही दें तो यस दे आर कॉम्पिटेंट बट हाउ कैन यू प्रोज्यूम कि एक कंपनी अपने लिए गवाही दे लेट्स से एक बैंक है जहाँ पे रोबरी होती है तो वहाँ पे बैंक अपने लिए गवाही डेफिनेटली इट कैन नॉट बिकॉज ना तो उसके पास जबान है ना कोई फेस वैल्यू तो जो उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं जो स्टाफ हैं उनमें से कोई गवाही देता है तो दे आर कॉम्पिटेंट अभी अगर आप आर्टिकल थ्री में इस जगह पर फोकस करें तो ये आर्टिकल थ्री का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पर लिखा गया है कि कोई भी इंसान जो किसी सवाल को समझ सकता है और उसका सही जवाब दे सकता है तो वो कॉम्पिटेंट है ठीक है तो किन सवालों की बात की जा रही है यहाँ पर यहाँ पे उन सवालों की बात की जा रही है जो कि गवाह से अदालत में पूछे जाते हैं कि जनाब बताइए आपने 27 तारीख को क्या देखा तो वो बताता है कि मैंने एक पर्सन को दूसरे पर्सन को मारते हुए देखा इस तरह के जितने भी सवाल एक गवाह से पूछे जाते हैं उनको अगर वो समझ सकता है और उनका सही से जवाब दे सकता है तो वो कॉम्पिटेंट है अब एक इनकॉम्पिटेंट विटनेस का एग्जाम्पल देखते हैं लेट्स से आप एक ल्यूनेटिक पर्सन को अदालत में विटनेस बुलाते हैं और वकील साहब जब उनसे एक सवाल करेंगे कि बताइए आपके घर का एड्रेस क्या है और सामने से जवाब आता है कि मुझे आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है तो देखिए कोई रेशनलिटी नहीं है इसके क्या जाहिर होता है कि उस ल्यूनेटिक पर्सन ने हमारे सवाल को समझा ही नहीं तभी इतना ज़्यादा गलत जवाब दिया एर जवाब दिया इसी के साथ आपको ये भी याद रहना चाहिए कि एक इंसान अगर तमाम तर सवालों के जवाब बिल्कुल ठीक तरह से रेशनली दे रहा है लेकिन उसने कहीं पे एक दो सवालों के जवाब इर्रेशनली दिए इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होगा कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है उसे हम कॉम्पिटेंट ही तस्वर करेंगे कभी कभी आपको अदालतों में ये भी देखने को मिलेगा कि कुछ लोग एनजाइटी या फिर प्रेशर की वजह से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और सवालों का सही जवाब नहीं बताते इवन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने घर का एड्रेस तक नहीं बता पाते ड्यू टू एनजाइटी बात करते हैं टेंडरिज यहाँ पर बताया गया है कि कोई इंसान कोई बच्चा अगर कम उम्री की वजह से सवाल को समझ नहीं पा रहा उसका सही जवाब नहीं दे पा रहा तो वो इनकॉम्पिटेंट है यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक एज लिमिट नहीं बताई गई है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि छोटी सी उम्र में ही उनका दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प होता है और चीज़ों को कैच करते हैं वहीं पे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि इतने शार्प नहीं होते इवन इन द एज ऑफ फिफ्टीन वो चीज़ों को नहीं समझ पाते तो वो इनकम्पिटेंट होते हैं ऐसे बच्चे चाइल्ड विटनेस जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक विटनेस माने जाते हैं जितने मासूम दिखते हैं इन पर भरोसा करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है ये आपको आमतौर पर देखने को मिलेगा कि अदालत इनकी गवाही को विदाउट कॉरपोरेटरी एविडेंस सपोर्टिंग एविडेंस एक्सेप्ट नहीं करती रीज़न ये होता है कि इनको बहुत ही आसानी से ट्रेन किया जा सकता है इनको आसानी से प्रेशराइज़ किया जा सकता है इनको इंड्यूस किया जा सकता है बहुत ही आसानी से जो इनको इनके पेरेंट्स कहानी बताएंगे ये पॉसिबल है कि वो सेम टू सेम रिपीट कर दें मोरवा ये देखने के लिए क्या एक बच्चा रेशनली जवाब दे सकता है सवाल को समझ सकता है इस चीज़ के लिए कोर्ट जो है एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकती है जिसमें अदालत उसे चंद सवाल पूछेगी उसके जहन को टेस्ट करने के लिए उसके बाद उसे जो है कॉम्पिटेंट विटनेस डिक्लेयर किया जा सकता है और उसके एविडेंस को रिकॉर्ड किया जा सकता है यहाँ पे एक सवाल ये पूछा जाता है अक्सर कि कौन से बच्चे से सवाल पूछे जा सकते हैं उसके माइंड को टेस्ट करने के लिए तो कोई पर्टिकुलर एंड स्पेसिफाइड सवाल है नहीं कोई भी सवाल हो सकते हैं जिससे बच्चे के माइंड को टेस्ट किया जा सकता है अक्सर व बेशतर जो पूछे जाते हैं वही होते हैं कि आपका नाम क्या है आपके वालिद का नाम क्या है क्या झूठ बोलना अच्छी बात है इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं प्रलिमिनरी इंक्वायरी किस वक्त कंडक्ट की जानी चाहिए या फिर किस वक्त कंडक्ट की जाती है तो यूजुअली जो है विडेंस रिकॉर्ड करने से पहले ऐसे होता ही है कि अदालत का टाइम सेव होता है कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है अगर अदालत प्रेलिमरी इंक्वायरी कंडक्ट ना भी करे तो भी ठीक है ठीक है क्योंकि ये अदालत के ऊपर ओब्लिकेशन नहीं है बाज़ अकात यह भी देखा जाता है कि अदालत जो है जिस वक्त बच्चे का एविडेंस रिकॉर्ड हो रहा था है उस वक्त भी अदालत जो है फोकस दे रहे होते हैं कि बच्चे की मैंटेलिटी क्या है ठीक है अगर उस वक्त भी अदालत को महसूस होता है कि बच्चा इनकॉम्पिटेंट है तो वह इनकॉम्पिटेंट डिक्लेयर कर सकते हैं उसे या फिर प्रमेरी इंक्वायरी में एक बच्चा कॉम्पिटेंट डिक्लेयर किया गया लेकिन वो जब एविडेंस रिकॉर्ड करने के लिए पहुँचा वहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चा जो है एनजाइटी की वजह से परेशान हो रहा है तो वहाँ पे अदालत ब्रेक दे सकता है प्रोसीडिंग को एडजर्न कर सकता है नेक्स्ट डेट पे ताकि बच्चा जो है थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए फिर दोबारा आ जाए वहीं पे अगर हम बात करें एक्सट्रीम ओल्ड एज तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ कम होती चली जाती हैं और वो सवालों को नहीं समझ पाते सही जवाब नहीं दे पाते इसी वजह से अगर कोई ऐसा इंसान है तो उसे इनकॉम्पिटेंट तस्वर किया जाएगा इसी के साथ अगर हम फिर मेंटल डिजीज़ या फिर बॉडीली डिजीज़ को देखें तो उसकी वजह से भी एक इंसान की मेंटल कैपेबिलिटीज़ अफेक्ट हो सकती हैं और वो जो है रैशनली जवाब नहीं दे पाएगा सवालों को समझ नहीं पाता अगर तो उसको भी कॉम्पिटेंट तस्वर नहीं किया जाएगा अभी आप ज़रा यहाँ पर फोकस करें एक पर्सन है कन्विक्टड फॉर दी परजरी ठीक है वह अदालत को किस तरह से यकीन दिलाएगा कि वो अभी बदल चुका है वो अभी पर्जरी जैसी एक्टिविटीज़ ऐसी हरकतें नहीं करता वो सुधर चुका है तो देखिए सबसे जो सिंपल एंड कॉमन मेथड हमारे यहाँ नज़र आता है ठीक है कुछ लोगों के लिए वो ये होता है कि जहाँ पे किसी इल्ज़ाम किसी इंसान पे किसी वक्त में परजरी का इल्ज़ाम लगाया गया था तो वहाँ पे उस इंसान ने डिफेंड नहीं किया बल्कि कन्फेज़ किया ये कहते हुए कि मुझे अपने किए का बहुत ज़्यादा दुख है मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है लेकिन मैं अपने आप को सुधारना चाहता हूँ उसके जो ये स्टेटमेंट्स होते हैं ना वो इसके इनोसेंस को साबित करता है वो ये साबित करते हैं कि ये बंदा रिपेंट करना चाहता है ठीक है तो इस तरह के स्टेटमेंट्स जब कोई एक कन्विक्ट पर्सन ले के अदालत को दिखाता है बीइंग विटनेस तो अदालत उसकी कॉम्पिटेंसी को मानती है इसी के साथ आपको ये भी याद रखना चाहिए कि वो पर्सन कॉम्पिटेंट तो हो गया लेकिन अभी भी उसकी जो गवाही है वो क्रेडिबल नहीं है मतलब अगर कोई दूसरा गवाह होगा इसके मुकाबले में तो उसकी ज़्यादा अहमियत होगी इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें जो कि एक पर्सन की कॉम्पिटेंसी को अफेक्ट करती हैं जैसे जो पर्सन गवाही दे रहा है अदालत में वो फ्री होना चाहिए फ्राम फीयर फोर्स एंड इन्फ्लुएंसर प्रेशर फेवरेटिजम बायस इंड्यूसमेंट प्रेजिडाइज हॉस्टिलिटी नहीं होनी चाहिए जिस पर्सन के अगेंस्ट वो गवाही दे रहा है हेटेड नहीं होना चाहिए ठीक है इसके बाद जो प्रोविजन नंबर थ्री है ये बताता है कि विटनेस में कौन सी मॉरल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए ठीक है जो मेन बॉडी हमने देखी इट वाज ऑल अबाउट फिजिकल क्वालिफिकेशन यहाँ पे ये मॉरल क्वालिफ़िकेशन एक विटनेस में होना ज़रूरी नहीं है नहीं भी है तो कोई मसला नहीं कोई और विटनेस भी होगा तो वो भी कॉम्पिटेंट है मेन जिसमें जो है फ़िज़िकल क्वालिफ़िकेशन है तो बट आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि कोर्ट को फ़िज़िकल क्वालिफ़िकेशन रखने वाले विटनेस के बनसबत उस विटनेस को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है जिसके पास फिज़िकल फिज़िकल क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ मॉरल क्वालिफ़िकेशनस भी हैं मैंने एक सवाल पूछा था कि कौन से ऐसे रिक्वायरमेंट है जो कि कुरान सना ने एक विटनेस के लिए बताया तो ये वो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो अभी आपके स्क्रीन के सामने हैं बहुत सिंपल अल्फाज में मैंने करके लिखे आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी इसके साथ समझ में आ जाएंगे अपार्ट फ्रॉम दिस आपको ये याद रहना चाहिए कि आर्टिकल नंबर थ्री के साथ जो कनेक्टेड एंड मोस्ट रिलीवेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर सेवनटीन हम समझते हैं कि आर्टिकल सेवनटीन इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ़ आर्टिकल नंबर थ्री तो ये जो दो आर्टिकल्स हैं आपको एट अ टाइम एक साथ पढ़ने, इस वीडियो में हम आर्टिकल 17 नहीं पढ़ रहे लेकिन हम इस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम आपको और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझाएंगे, जैसे कि तस्किल शहूद क्या होता है किस तरह से इसकी प्रोसीजर होती है क्या कुछ चीज़ें होती हैं तमाम तरह चीज़ें आपको वहाँ पर बताएँगे आई हैव अ नाइस डे